दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि बॉलीवुड के गलियारों में अक्सर खिलाड़ी कुमार को लेकर ये बात कही जाती है कि भाई जिस प्रोजेक्ट के साथ में खिलाड़ी कुमार का नाम जुड़ जाता है वो प्रोजेक्ट खुद ब खुद सुपर से ऊपर हो जाता है, चाहे वो प्रोजेक्ट ओरिजिनल हो या फिर रिमेक। भैया खिलाड़ी कुमार का जलवा हर प्रोजेक्ट में नजर आता है। और भाई ऐसा ही इन दिनों कुछ खिलाड़ी कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि सूर्यवंशी के पहले सॉन्ग के साथ होता नजर आ रहा है, जो कि भैया खिलाड़ी कुमार की ही एक सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि खट्टा और मीठा का रीमेक थी। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं आयला रे आयला की, जो कि भैया कई सारे कीर्तिमान अपने नाम करती जा रही है। तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि सूर्यवंशी से। तो दोस्तों सूर्यवंशी को लेकर यह जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको दे दी है कि भाई ये फिल्म अगले महीने की 5 तारीख को सिनेमा घर में रिलीज हो जाएगी। यानी कि भैया दिवाली के शुभ अवसर पर इस फिल्म को सिनेमा घर में रिलीज कर दिया जाएगा। और भाई इस फिल्म से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां लगातार हम लोगों के सामने आ रही है। यानी भैया हाल फिलहाल में ही इस फिल्म का पहला सॉन्ग यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया आयला रे आयला के नाम से, जो कि भैया खिलाड़ी कुमार की ही एक सुपर डुपर हिट फिल्म खट्टा और मीठा से लिया गया था। और भाई जब से ये सॉन्ग फिर से एक बार खिलाड़ी कुमार के ऊपर फिल्माया गया और भाई इस सॉन्ग में जो जोरदार डांस करते हुए दिखाए हैं खिलाड़ी कुमार, उसको देखने के बाद तो खिलाड़ी कुमार के जो फैंस हैं वो क्रेजी हो चुके हैं मेरे भाई। यानी कि इस सॉन्ग को दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिलता नजर आ रहा है। और भाई मेरी वो बात झूठी साबित हो रही है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ही खिलाड़ी कुमार का ये सॉन्ग ओरिजिनल वाले सॉन्ग के रिकॉर्ड को तोड़ दे। यानी कि अब तक खिलाड़ी कुमार के ओरिजिनल सॉन्ग यानी कि आयला रे आयला को 77 मिलियन लोगों ने देख लिया है टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यानी कि आंकड़ों की बात करें तो भैया 7,72,30,405 लोगों ने अब तक आयला रे आयला को खट्टा और मीठा के माध्यम से टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखा है। और वहां पर अगर हम बात करें कि भैया इस सॉन्ग को वहां पर कितना लाइक मिला तो भैया वो संख्या है 4,19,000 का। और डिसलाइक की बात करें तो भैया उस सॉन्ग को वहां पर 24,000 लोगों ने डिसलाइक किया है। और भाई अब हम रिसेंट टाइम में जो आयला रे आयला यूज किया गया है सूर्यवंशी में उसकी बात करें तो भैया उस सॉन्ग को अब तक 53 मिलियन लोगों ने देख लिया है। यानी कि आंकड़ों की बात करें तो 5,37,45,173 लोगों ने अब तक इस सॉन्ग को सूर्यवंशी के माध्यम से फिर से एक बार टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख लिया है। और वहीं पे अगर हमें बात कर दिया इस सॉन्ग के लाइक वाले सेक्शन की तो भाई ये तो आंकड़ा जो है ओरिजिनल सॉन्ग से काफी आगे हो चुका है, यानी कि डबल हो चुका है मेरे भाई। यानी कि 8,16,000 लोगों ने अब तक भैया आयला रे आयला को लाइक से नवाजा है। और वहीं पे अगर हमें बात करें भैया डिसलाइक वाले सेक्शन की तो भाई ये आंकड़ा भी डबल हो चुका है। यानी भैया ओरिजिनल वाले सॉन्ग को 24,000 लोगों ने डिसलाइक किया था तो यहां पर इस सॉन्ग को 51,000 लोगों ने डिसलाइक किया है। यानी कि और 2 करोड़ का आंकड़ा जैसे ही छू लेंगे खिलाड़ी कुमार उसके साथ ही ये रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। यानी कि बहुत जल्दी ही खिलाड़ी कुमार का ये जो सॉन्ग है आयला रे आयला ओरिजिनल आयला रे आयला को पीछे कर देगा ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भाई जो बातें अक्सर बॉलीवुड के गलियारों में खिलाड़ी कुमार को लेकर कही जाती है कि भाई ये खिलाड़ी कुमार है और इसका नाम जब भी किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ता है वो प्रोजेक्ट सुपर से ऊपर हो जाता है, ऐसा है कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।